शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शालिनी, कैसी बेटा? बिल्कुल ठीक। प्रणाम। जीत रहा बेटा। पुनीत बाबू, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। वो पापा आने से पहले बहुत काम था, so I was feeling a little tired, so मैं जरा। हाँ, sure, why not? आप आराम कीजिए, फिर तैयार हो जाइएगा। हाँ। वो क्या है कि सारे फंक्शंस आज ही से हैं। जी। पापा ये क्या है? ये रानी की शादी ऐसे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? इतने कम टाइम में क्या तैयारियां हो पाई होंगी? और हमारी एक बर्थडे पार्टी होती थी, उसके लिए आप इतनी प्लानिंग करते थे, और ये तो हमारी रानी की शादी है। सब ठीक ठाक हो जाएगा बेटा। पर शालू जी जी कैसी है? हम ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और बताओ, ये चट मंगनी पट ब्याह क्या सीन है मैडम? हम क्या जाने। कैसे शर्मा रही है। चल अंदर चलते हैं, तुझसे राज के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। और सुनो, बातें करते करते इसे तैयार भी कर देना। थोड़ी देर में ही विनायक मुहूर्त है। जी पापा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पता कितनी गाठे लगाऊंगा, राज में इतना सब्र है ना। देखिए तो कैसे शर्मा रही है। मैं कहती हूँ रहने ही दीजिए, अब रानी के राज को इतना क्या तंग करना, क्यों? चल रहने देती हूँ। बस बस आरती भाभी, इतनी गाठे तो मत बांधिए। वैसे भी रानी भाभी की नाजुक उंगलियां कहीं थक ना जाए ना गाठे खोलते खोलते। वैसे बता रहे हैं, रस्म है ना, निभाने तो पड़ेगी। और तुम्हारी भाभी है ना, मेरा मतलब है नाजुक भाभी रानी, उसको भी तो पता चले कि शादी के बाद कितनी सारी गाठियां खोलनी पड़ती है ना। उंगलियां थके तो थके। शादी में
कोई कसर नहीं छोड़ी थी और रानी की शादी में सलोनी और आप हैं अमित बाबू। हम लोग शादी का जोड़ा देने की रस्म करने आए। ये लो रानी, राज का फेवरेट कलर है। ये शादी का जोड़ा? अरे वाह, रंग कितना खूबसूरत है। हमारी रानी पर तो बहुत खिलेगा। सचमुच बहुत प्यारा है। अमित जी, क्या करते हैं आप? फैशन फोटोग्राफर। ओह, फैशन फोटोग्राफर, ये तो बहुत ग्लैमरस लाइन है। तो इस वक्त कौन से फैशन मैगजीन के लिए शूट कर रहे हैं? बस अभी शुरुआत है तो कुछ लोकल गारमेंट शॉप्स के लिए कैटलॉग्स वगैरह शूट कर रहा हूँ। लोकल गारमेंट शॉप के कैटलॉग्स? I don't believe it। पापा ने रानी का रिश्ता कैसे घर में किया है? और वो शादी का जोड़ा? So middle class, so disgusting। पापा का है, मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। रुको शालिनी, अब तुम्हारे बात करने से क्या होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं ना। शादी अटेंड करने आई हो, शादी अटेंड करो बस। पर पुनीत, ये रिश्ता तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा पापा ने। कुछ सोच समझ कर ही पापा ने मेरे कजन का रिश्ता ठुकरा कर ये रिश्ता किया होगा। तुम क्यों बदल? देखो शालिनी, हम मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर रहेंगे, ओके? पुनीत, रानी मेरी बहन है, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं कुछ पूछूं। देखो शालिनी, अगर तुम्हें पूछना है तो पूछो, लेकिन उसके बाद मैं यहां रुकने वाला नहीं। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? पापा रानी को कैसे घर में भेज रहे हैं? जरा बताओ तो, रानी साहिबा को हमारा भेजा हुआ जोड़ा पसंद आया या नहीं? हाँ, रानी भाभी को तो पसंद आया, लेकिन उनकी वो बहन को जाने देना सलोनी। अमित, वो कमरा सजाने के लिए फूलवाने को कहना था। अरे हाँ भाई अमित, ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। हाँ, पर ये तो पता चले कौन सा कमरा सजवाना है, वो बरसाती? नहीं नहीं, नई दुल्हन आते ही बरसाती में। हाँ, और वो भी अगर दुल्हन रानी भाभी जैसी हो। क्या, जरा फिर से बोल। हमारा कमरा नहीं टपकता है। डोंट वरी पापा, रानी और राज के लिए हम अपना कमरा छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए हम लोग बरसाती में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे सुनो आरती, होता है। हो गया। हंसने की क्या बात है? आरती, वो शादी के लिए तुम्हारे कपड़े और गहने तैयार है ना? भाई अपने देवर की शादी में मेरी आरती को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। हाँ, वैसे बता रहे हैं खूबसूरत हूँ तो खूबसूरत लग ही जाऊंगी, लेकिन मैं अपने देवर की शादी के लिए अपना कमरा खाली करने नहीं वाली। क्या आरती, क्या मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ फायदे का नहीं सोचती ना? अरे कमरा छोड़ने की बात को लेकर अपने बीपी हाई क्यों कर रही हो? देखो वैसे भी हम इस घर में ज्यादा दिन रहने वाले तो है नहीं। एक बात बताऊं, जू वाले फ्लैट में जाते ही सी फेसिंग जो सबसे बड़ा कमरा है ना, वो तुम्हारा ही है ना? झूठ! मैंने आज तक कभी झूठ बोला है क्या? हाँ, तो देखो रानी इस घर में आ रही है तो हम क्यों परवाह करें? वैसे बता रहे
इस घर की महारानी तो तुम ही हो। धत। हाँ? हाँ? माँ, ये चांदी के दिए किस लिए? बेटा बारातियों को देने हैं ना। चांदी के दिए? माई, हम बारातियों को चांदी के दिए देंगे? कुछ ही दिन पहले कोमल की शादी में तो बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया गया, और अब रानी की शादी में ये? माई, ना तो मैं किसी से कुछ पूछ पा रही हूँ और ना ही मुझे कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो कुछ भी मुझे दिख रहा है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो रानी के ससुराल वाले इतने मिडिल क्लास लगते हैं, और पापा ने शादी का इंतजाम भी ऐसे ही किया है। लग ही नहीं रहा है जैसे यशवर्धन मित्तल की बेटी की शादी हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लड़के वाले ही चाहते हैं कि शादी सादगी से हो। माई, ऐसी भी क्या सादगी कि शादी शादी ना लगकर मजाक लगने लगे। ले आएंगे आज दिल वाले दुल्हनिया ले आएंगे। और राज, क्या गिफ्ट दे रहे हो रानी को फर्स्ट नाइट पर? एक्चुअली अभी सोचेंगे। सोचेंगे? पायलिया, राज भैया रानी भाभी को गिफ्ट में पायल दे रहे हैं। क्या साले साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। वैसे पायल का आइडिया अच्छा है। जी हाँ, रानी की पायल की रुमझुम से मुझे ये पता चल जाएगा कि रानी मुझसे कितनी दूर है या कितनी पास है, है ना भैया? तो टाइम पर ही थी ना आपकी? जी आज फ्लाइट टाइम पर था। माई जी, धीरज बाबू की मम्मी पापा। नमस्कार। चाय की व्यवस्था कीजिए। जी अब आइए प्लीज। हमने कोमल और धीरज को बता दिया है कि आप लोगों के आने से पहले ही हम लोग रानी बिटिया की शादी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें तो सूरत से आना था, वो लोग स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। जी जी। समधी जी, क्या बिजनेस है लड़के वालों का? जी राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। सर्विस क्लास के लगते हैं। हेलो। हाय। आप इस वक्त? क्यों, क्या मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता? नहीं, हाँ अभी थोड़ी देर में ही तो हमारी शादी है। शादी के लिए तो मुहूर्त होता है, लेकिन क्या तुमसे बात करने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर वैसा कुछ कहो। कैसा? कुछ नहीं। तुम क्या कर रही थी? तैयार हो रहे थे। तैयार? क्यों? कोई आने वाला जो है। कोई? ओ, तो वो कोई बहुत खास है क्या? तो उस कोई से बोलिए कि यूं इंतजार मत करवाए, जल्दी आ जाए। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अब हम क्या कहें? कह दो कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
तो मैं आऊं? जल्दी आऊं? यूं हाँ हूं नहीं कहो के राज, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कहो ना। माई हमें बुला रही है, हम फोन रखते हैं। राज जल्दी आओ। उमा आज तो मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता कि इंतजाम में कोई कमी तो नहीं रह गई। बस उमा हमारी रानी का दामन हमेशा सुख और खुशियों से भरा रहे, यही दुआ करना। जितना लाड़ और प्यार उसे इस घर में मिला है उससे कहीं ज्यादा लाड़ और प्यार उसे अपने ससुराल में मिले। पकड़ी बांध देते हैं। देखना पापा आज हम आपको ऐसी पकड़ी बांध देंगे कि सासू माँ भी कहेंगी मां समझी जी क्या लग रहे हो। Raj Goel. I'll try my best to do a transparent deal, sir. मैं रिश्वत नहीं लेता। ये पापा ने रानी के लिए इसे चुना है?